अस्सलाम वालेकुम। तो ये पार्ट 5 है, जितना देखे उतना कम है, मगर घर की ग्रोसरी है। तो हर मतलब मॉल भले ही बड़ा है, मगर घर की ग्रोसरी, घर का सामान है और हर चीज़ है। तो वो होता है क्या, मतलब आपको चीज़ें देखनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी और आपको मिलनी भी चाहिए, तो ऐसा है। तो ये पार्ट 5 है और ये मैंने ये जो दूध का जो भी डेयरी मिल्क है, डेयरी का जो भी सामान है वो इस काउंटर पे मिलेगा। उसके बाद में ये फरसान वगैरह का है, उसी के आगे हम जाते रहेंगे तो फिर से वो सारा फरसान ही है। और थोड़ा है ना बीच में दो जो कबाड़ दिख रहे थे ना, वो कंटेनर था डॉग वगैरह का, कैट का। और ये अलग से इन्होंने दिवाली का फरसान लेके बैठे थे। और ये जो घर का जो होता है बना हुआ, शायद वैसा ही था और बहुत अच्छा दिख रहा था, मगर टेस्टिंग भी था उधर, अगर किसी को टेस्ट करना है। ये पूरी वगैरह है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो जो साइड थी वो अलग थी और ये जो साइड अभी मैं आई हूँ ये अलग है। तो इधर अलग चीज़ें हैं, जैसा मैगी, ये वो गर्म पानी डाल के मैगी खाते वैसे वाले कंटेनर्स आ रहे थे। और मैगी का कितना वैरायटी देखिए, मतलब हद है मैगी की वैरायटी की। उसके बाद में हनी यानी मध था। उसके बाद में देखिए ये सारी चीज़ें हैं, कैडबरी वगैरह, अलग अलग चीज़ें हैं, होती है अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं जैसा आप ले सकते हो। फिर ये देखिए कड़िंगर वगैरह और भी चीज़ें हैं, फ्रूट वगैरह। तो ये अलग पार्ट है, तो ऐसा है। तो अलग अलग चीज़ें रखी हुई है, तो आपको लगेगा क्या मैं वहीं पे हूँ, वहीं पे नहीं हूँ, आगे पीछे है। रीज़न ये क्या, वही सारी चीज़ें होती है। अभी ये बिस्किट है, बिस्किट के भी है पैकेट। और इसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको 1 रुपया या 2 रुपया भी बिस्किट वाला ऑफ़र में या फ्री में नहीं देता है, मगर यहाँ पे डायरेक्ट 20 रुपया 30 रुपया आपको मिलेगा। ग्लूकोज बिस्किट सभी लोग खाते हैं, सभी को मालूम है, और ग्लूकोज बिस्किट खाना भी चाहिए, अच्छे है, पहले से खाते। बाकी तो देखिए बाकी सारे बिस्किट बहुत सारे आए हैं तो उसका प्राइस भी बहुत हाई है, जो कि बनता नहीं है। अभी चलो जो लोग खाते हैं वो ठीक है, तो हम तो ग्लूकोज और माली बिस्किट ठीक है, ओके है, पुराना जो चलते आया है वही खाते हैं, बाकी तो नया कुछ है नहीं। तो देखिए इतना ढेर का ढेर लगा है, अगर आपको लेना है तो आपका 1 मंथ का आराम से हो जाता है। और इसमें फ़ायदा ये होता है कि हमारे डायरेक्ट 50 से 100 रुपया बच जाता है, 50 रुपीज़ बच जाता है। और भी चीज़ें ऐसी है जिसमें आपका पैसा अच्छा है, खाकड़ा वगैरह भी है, तो जो लोग खाते हैं खाकड़ा पसंद से तो उनके लिए भी खाकड़ा वगैरह है। और भी अच्छा, ये बच्चे ना अपने कॉन्ट्रो करके आए थे, पैसे तो होता है, देखिए बच्चे भी आते हैं आसपास लेते हैं, क्योंकि मॉल में उनको थोड़ा रिजनेबल भाव मिलेगा, तो हम भी उनके साथ लग गए मस्ती करने के लिए। तो प्राइस देख रहे थे उनको, वेफर्स चिप्स वगैरह वो सारी चीज़ें ले रहे थे, उनको जो जो पसंद है, और मॉल भी घूम रहे थे। तो मेरी सिस्टर ने भी उनको हेल्प किया कि आपको क्या चीज़ में बेनिफिट है, कौन से चिप्स में। तो ऐसा है, बच्चे भी देखिए ये चीज़ का फॉलो करते हैं, क्या उनको मतलब चिप्स वगैरह बाहर भी मिलते हैं, तो मगर वो सारी चीज़ें अगर आपको बाहर मिलती है तो आप अंदर क्यों आए हो। तो अंदर इसके लिए आए हैं कि इसमें आपको 1 चिप्स का पैकेट एक्स्ट्रा मिलेगा, प्लस आपका पैसा बचेगा, आपको 100 ग्राम ज़्यादा मिलेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है जो बच्चे भी कंट्रोल करते हैं, और आपस में भाई बहन है, कज़न है, आस पड़ोसी मिल के आते हैं। तो ये बच्चों ने भी इस तरीके से अपना जो भी है वो अपनी जो चीज़ें पसंद की थी वो लिया, और हो सकता है उनके घर वालों ने भेजा होगा कुछ लेने तो वो भी वो ले रहे, तो ऐसा होता है। तो वेफर्स वगैरह और उनको जो जो पसंद है वो सारी चीज़ें लेंगे। चॉकलेट वगैरह भी है, अगर आप किसी को गिफ्ट करते हैं। बाकी सारी बिस्किटों में भी बहुत वैरायटी है, खाने वाली जो अपनी चॉइस के हिसाब से खाते हैं उनको पता है। तो ऐसा होता है क्योंकि हम लोग तो मारी बिस्किट और ग्लूकोज बिस्किट खाते हैं। और ये देखिए ये चिप्स में भी बहुत वैरायटी है, अब वो भी कोई खाने वाले है तो वही लोग खाते, हम लोग तो ये सारी चिप्स वगैरह का कुछ मतलब ये नहीं। फरसान में भी चूड़ा वगैरह है, बारीक सेव वगैरह है, और भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप अच्छी अच्छी चीज़ें खा सकते हो, ले सकते हो, खरीद सकते हो। और जो लोग खाते हैं उनको ये सारी चीज़ें पता है, देखिए इस तरीके से। और चना वगैरह है, फिर लड्डू है, तिल के, और भी बहुत बहुत मतलब कोई चीज़ नहीं है ऐसी नहीं। अच्छा, लड्डू में भी रवे के भी लड्डू है,
चने के आटे भी के लड्डू है और एक रवा होता है जो थोड़ा मोटा मोटा होता है, वो भी लड्डू है। तो मगर वो है ना बहुत कॉस्टली थे इसके लिए हमने, नहीं तो पसंद तो किसको नहीं है, पसंद तो खाने के लिए सभी को है, मगर वो मिलना भी चाहिए, होना भी चाहिए और आपको रिजनेबल में भी मिलना चाहिए, नहीं कि हमारा पैसा वेस्ट हो जाए या ज़्यादा लग जाए। अच्छा, ये कंटेनर जो पीते हैं उनको भी पता है कुछ का टेस्ट स्ट्रांग होता है किस कुछ का नहीं, और ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको गिफ्ट वगैरह अगर बड़े बड़े देने हैं तो। और ये और भी सारे चिप्स, चिप्स में भी देखिए कितनी वैरायटी, और चॉकलेटों में भी देखिए कितनी वैरायटी, और वैरायटी की कोई कमी नहीं है, जितनी चाहिए उतना। अभी साबुन का शायद है, शायद साबुन ही लगा है। एक्चुअली ना कुछ कुछ चीज़ें समझ आती कुछ नहीं, डेयरी मिल्क देखिए कितनी सारी और कितनी वैरायटी में, और ये लोगों ने किस तरीके से पैकिंग किया है, हर तरीके की पैकिंग है यहाँ पे, और स्टाइल भी है अलग अलग, अलग अलग चीज़ें, तो ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे क्या आपको मतलब दिल छू जाती है। और ये तो सभी को मालूम है इसमें ड्राई फ्रूट होता है चॉकलेट के साथ, तो ये भी अच्छे लगते खाने। ये बादाम का चॉकलेट है तो ये भी अच्छा है, बीच में बादाम होगा और अंदर बाहर से चॉकलेट होगा, तो ये गिफ्ट है। ये सारे गिफ्ट ही जो देने होते हैं, और ऐसा नहीं कि लोग लेके नहीं जाते भाई, कभी कभी तो मॉल में कम पड़ जाता है तो इतने भी लोग लेके चले जाते, और जब लास्ट दिन रहेगा ना तो ये मॉल वाला ऐसे भी बहुत मतलब लो इसमें पैसे में कोई रिलेटर छोटे दुकानदार होते हैं इसको रिलेट क्या बोलते हैं, कुछ लोगों इनसे टाइप होता है, ऐसा नहीं कि वो लोग भी है ना यहाँ पे राउंड मारते हैं, क्योंकि मैंने भी ये देखा है कि ये लोग वहाँ पे राउंड मारते हैं, रीज़न है कि उनको यहाँ पे बहुत सस्ता मिलता है और फिर वो अपनी दुकानों में बेचते हैं, उनको भी कुछ बोलते हैं। मुझे ना चीज़ें याद नहीं रही थी। अच्छा, उस बच्चे ने मेरी सिस्टर को कुछ पूछा, कोई चॉकलेट की वैरायटी रहेगी, वो चीज़ उन्होंने पूछी मुझे, क्योंकि यहाँ पे सारे चॉकलेट के ही कंटेनर हैं और सारा चॉकलेट ही है, ये देखिए पूरा का पूरा चॉकलेट है। आपको जिस वैरायटी और जिस डेयरी मिल्क के अलग 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 बहुत सारी वैरायटी, तो सबकी चॉइस अलग है, सबके खाने पीने का तरीका अलग है, तो सबको समझ लो। और जिन लोगों को देना है मतलब प्राइज और ये गिफ्ट देना है, प्राइज गिफ्ट देना है, तो देखिए ऐसा है ना मुँह से निकल जाता है कुछ भी, तो गिफ्ट देना है तो वो लोग अपने हिसाब से ले रहे, हर जगह पे खड़े रह के देख रही है ना। रसगुल्ला और गुलाब जामुन पे भी अच्छा ऑफर था, तो जिसको चाहिए पहले ना ये 50 रुपीज़ 150 में दो आते थे, अभी 200, 250, 300 तक दो आते, तो बहुत फ़र्क पड़ता है खाने पीने की चीज़ों में। रीज़न ये कि भाव अभी सबका बढ़ गया है, तो ऐसा होना चाहिए कि खाने पीने की चीज़ों में ना भाव कम होना चाहिए, क्योंकि देखिए खाने पीने की चीज़ें जैसा पैसे वाला खाता है वो अमीर को भी, गरीब को भी हक है, अमीर जो खाता है ना वो गरीब को भी हक है खाने का, तो ऐसा इतना अगर भाव बढ़ाएंगे तो बेचारा गरीब अपने बच्चों को क्या खिलाएगा और ख़ुद भी क्या खाएगा, कभी ना अल्टी पल्टी हो जाती है ज़बान। एक्सक्रीम में भी देखिए कितनी वैरायटी है, कितनी सारी, मगर ये ना हम अगर है ना ये हम लेके नहीं आ सकते, रीज़न क्या है मालूम है, ये पिघल जाएगी रास्ते में। हाँ, आप वहाँ खड़े खड़े खा सकते हो जो मर्जी और उसका पे कर सकते हो, और ये तो है लेके आ सकते हो, अगर बाइक है, खुद की गाड़ी है और घर आसपास है आपका जैसे कि हमारा है, तो हम ले सकते हैं और फटक से घर पे आके आपके अपने फ्रिज में रख सकते हैं। मगर है ना ज़्यादा मुश्किल कहाँ आती है मालूम है, बिलिंग करते वक्त देखिए, ये बिलिंग जो करते हैं ना उसमें इतना क्राउड होता है, अभी आपको लगेगा यहाँ पे क्राउड नहीं है, मगर यहाँ पे क्राउड है अच्छा खासा, और लाइनिंग लाइन भी बहुत लगी है। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना और ज़्यादा से ज़्यादा करना, और बहुत सारे व्यूवर्स देखे, और मेरा वीडियो ये आप लोगों को कैसा लगा, मैंने पूरा मतलब है ना आपको मॉल का टूर करवा दिया है और कोई वीडियो भगाया नहीं है, अच्छे से टूर करवाया है। ये मेरा 5वां वीडियो है, अभी और एक वीडियो बाकी है जो उसका टूर आपको बाकी है, और ये हर फ्लोर पे आपको मिलेगा इस तरीके से। तो हम बाद में अभी ये फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर जाएंगे, तो मेरी सिस्टर बोली थोड़ा सा लेके इस तरीके से दिखाओ नेल पेंट, तो देखिए इस तरीके से मैंने भी थोड़ा सा मस्ती कर ही लिया। रीज़न ये होता है कि कलर भी समझ भी नहीं आता, तो ग्रीन एक अच्छा लगा और एक थोड़ा लाइट कलर एक अच्छा लगा, तो वो भी मैंने उनको दिखा दिया कि देखो ये दो कलर अच्छे हैं,
और सभी को मैंने तभी बोला, एक एक नाम लेके बोलने से अच्छा तो ये बोले क्या ठीक है करके, क्या मेकअप रुके, का ठीक है सामान है। फिर अभी हम जा रहे हैं चलो जाओ, हम सेकंड जा रहे फ्लोर हैं पे, तो अपन मेरी सिस्टर ने बोला यार, चलो जल्दी आ रहे करके। तो हैं। देखिए टॉरी तो खाली लेके मेरे घूम पीछे रहे रहो, हैं, क्योंकि यही मेरे होता पीछे है रहो। कि हमको समझ आने के लिए बहुत थोड़ा टाइम लगता है। हाँ मैं अभी है समझ ना रही मैं हूँ। थोड़ा है ना, मेरी सिस्टर बोल रही कि तुम बोलो यहाँ पे, तो मैंने कोशिश करी हूँ। अभी मुंह अगर आड़ा टेढ़ा हाँ आया ना चलो तो है ऐसा ना करो, यूट्यूब वाला भी पता नहीं मेरा मुंह आड़ा टेढ़ा डालता है। मैंने फर्स्ट हाय हेलो का डाला था तो तो मुंह वही एड़ा टेढ़ा करना। डाला था, तो थैंक यू बाय।